मधुपुर प्रखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला दरवे पंचायत है, जहां के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपने पंचायत के समस्याओं के बारे में हमें रूबरू करा रहे हैं। मधुपुर प्रखंड के दरवे पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अपने पंचायत के समस्याओं के बारे में बातों को रख रहे हैं। बताएं मुखिया जी, आपका राजनीति में आगमन कैसे हुआ? मेरा राजनीतिक में आगमन स्टूडेंट लाइफ से हुआ है। जब हम पढ़ते थे उस समय झारखंड बिहार था, 1977 में जब चुनाव हुआ पंचायत का, तो उस समय उप मुखिया के रूप में हम 18 वर्ष की उम्र में चुनाव के प्रतिनिधि के रूप में हुए। इनके बाद हम कुछ दिन पंचायत का सेवा किए। इस दरमियान में 1980 में मेरा जैसे बंगाल में एशियन में नौकरी लग गई, और मेरा एशियन में नौकरी लगने के चलते वहाँ नौकरी करने लगा। उसी दरमियान में हम मजदूर का सेवा में लग गए और कोलेटी मजदूर यूनियन को हमने जुड़ गए, और उससे जितना मजदूर से मजदूर को जितना हमको सेवा करना था हम भरपूर मदद किए। उस दौरान में गांव में हम आते जाते थे, आने जाने के दौरान में यहाँ का जो गरीब आदमी है मेरे गांव में, मेरे पंचायत में, तो पूरा आदमी को वहाँ का इलाज करने के लिए हम अपना पैसा पर खर्चा करके ले गए। वहाँ हम रानीगंज क्लब हॉस्पिटल में उनको हम इलाज कराए, लेंस बैठवाए, यहाँ तक कि आदमी कहाँ भी चल कराए। इनके बाद जो है सब कुछ आदमी का लड़की का शादी, गरीब लड़की का शादी था, उसमें हम आदमी को सब कुछ सहयोग किया, मदद किया। मेरा आर्थिक स्थिति है किस तरह से उस हिसाब से मदद। अब रह गया कि 2015 में जब हम रिटायरमेंट हुए तो मेरा गांव से लगाव था, जनता से लगाव था, जुड़ा हुआ था। हर आदमी के ये मेरे दिल में हर आदमी का जगह था, मेरा भी जगह हर आदमी के जनता के वोटर के दिल था। हम आए सबका बोला कि आप चुनाव लड़िए, तो गाँव का जनता वोटर के कहने पर हम चुनाव में खड़े हुए। और उस दौरान जो है सो मेरा रंजिश के चलते रोड एक्सीडेंट कर दिया गया ताकि ये खत्म हो जाए, प्रतिनिधि के रूप में चुनाव में नहीं आ सके, लेकिन ऊपर वाला बचाना कम बचे और हम चुनाव उसी हालत में लड़े। लड़ने के बाद चुनाव जीत कर काफी पहुंचे। जीतने के बाद मेरा पंचायत का ये मुख्य समस्या ये है बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी, ये मुख्य समस्या है। तो सरकार के द्वारा जो मनरेगा काम चल रहा है, सरकार का उद्देश्य है कि मनरेगा के द्वारा हम पलायन को रोकें, लेकिन बहुत मजदूर मिट्टी काटने के लिए तैयार नहीं है, सक्षम नहीं है। बहुत कुशल मजदूर मेरे पास है, मेरे गांव में, मेरे पंचायत में है, उनके पास काफ़ी हुनर है। जैसे बहुत आदमी है कालीन का काम करता बनारस में, बहुत आदमी एक्सपोर्ट का काम बम्बई जाकर करता है। मेरा गांव का आदमी, मेरे पंचायत का आदमी पूंजी का अभाव है, यहाँ से बम्बई जाकर के एक्सपोर्ट का काम करता है, विदेश में कपड़ा बेचता है, इसी का हाथ का बना हुआ कपड़ा बेचता है, जो कि विदेश से एक मैंने रिकवरी आता है मैंने विदेशी मुद्रा की। ये मेरा लड़का लोग बहुत योगदान दे रहा देश के लिए। अगर आज हमारे पंचायत में या हमारे ब्लॉक में या हमारे प्रखंड में या हमारे राज्य में अगर इस तरह से पूर्ण व्यवस्था हो जाए, तो बम्बई, दिल्ली, गुजरात जैसा जो एक्सपोर्ट का काम करता है, वो मेरे लड़का, मेरे गांव का, मेरे मजदूर जाता काम करता है, मेरे पंचायत का, मेरा झारखंड का मजदूर जाता, यहाँ व्यवस्था हो जाए तो ये एक झारखंड एक बेहतर स्थिति में महाराष्ट्र जैसा, गुजरात जैसा खड़ा हो सकता है। ये अभी मेरा समस्या ये है गाँव में। जब हम आए तो टोटल मेरे पंचायत में एक भी आदमी नहीं दिखा पाएगा विधवा पेंशन। हम बहुत घर घर जा करके एक एक आदमी को वृद्धा पेंशन पास कर 500 लगभग मेरा आज पंचायत में विधवा पेंशन मुक्त है। सारा आदमी को विधवा पेंशन हम वहाँ पे देते हैं। दूसरा बात है कि जब मनरेगा का मुखिया के पावर आया तो हम ये 2021 का योजना में 50 कुआं पास किए, 50 में 50 कुआं रनिंग है, जिसमें कि अभी तुरंत 3-4 महीना के अंदर में लगभग 10 कुआं हमने कंप्लीट कर दिया, अभी डोभा का काम। ये निवेदन करते हैं मैंने आपका चैनल के माध्यम से, ये बात हम राज्य सरकार केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ अगर झारखंड में बेकारी की समस्या, मेरे पास झारखंड में कुशल मजदूर रहने के कारण यहाँ का इन को सरकारी व्यवस्था लोन या किसी तरह का हो जाए हुनर के हिसाब से व्यवस्था, ये पलायन रुक सकता है। रुकने के बाद एक झारखंड का स्थिति बेहतर हो सकता है और कल आने वाला नव निर्माण में झारखंड एक अपना मजबूत स्थिति में दूसरा राज्य के सामने में टक्कर दे सकता है। मेरा समस्या ये है कि बेकारी, बेरोजगारी, भुखमरी ये समस्या है, विकास करना मेरा मुख्य